ये देखिए गणेश जी हैं यहाँ पर, हनुमान चालीसा है, भागवत गीता है और कुरान मजीद भी है। देखिए मैं सब पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं नॉलेज लूँ और अच्छी अच्छी बातें सीखूँ, है ना। ये मेरा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, मेरा बहुत समय इसमें बीतता भी है और बीतना चाहिए भी, है ना। जो लोग नहीं जानते तनु को, उनको मैं परिचय करा दूं। तनु मेरी बेटी जैसी है बिल्कुल, और तनु को नहीं दिखता है, उसके बावजूद भी उन्होंने स्पीकिंग भागवत गीता से 2 श्लोक याद किए थे जब मैंने इनको जाना, और उसके बाद में फिर उन्होंने 10 श्लोक अभी और सीखे, है ना। हाँ जी करो राधे राधे। राधे राधे अपर्याप्तम् तदस्माकम् मलम् भीष्माभिरक्षितम् त्रिदमेतेषां बलम् भीमाभिरक्षितम्। हो गया, जी ये कौन सा श्लोक है? 10वां। दसवां अच्छा अब मीनिंग बता दो 11वें श्लोक का। 11वां श्लोक आता है? 11वां श्लोक आता है हाँ वो पता, एक बार बोल दो। हिंदी। हाँ हाँ दोनों पहले पहले संस्कृत में, संस्कृत में आता है। जी। अच्छा बोलिए। अयनेषु च सर्वेषु भागमवस्थिताः भीष्माभिरक्षन्तु भवन्ताः अपर्याप्तम्। इसका हिंदी आया। हाँ हिंदी में बोले बताइए। अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पिता माँ के ही सुरक्षा करें। वाह 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 वाह, थैंक यू। सब लोग को कर दो धन्यवाद, कर दो धन्यवाद। नमस्कार, कर दो राधे नमस्कार। राधे, कर दो राधे राधे। सलाम सलाम वालेकुम कर दो। सलाम वालेकुम। अरे वाह 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 वाह, ओके ओके ओके। और दैट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम तनु, है ना। हालांकि मैंने नहीं सोचा था कि तनु आएंगी और वो बोलेंगी, लेकिन हाँ डेफिनेटली तनु आई और उसने बोला, बहुत अच्छा लगा। 1900 लोग हो गए हैं एंड ये हमारी ताकत है, हमारी भगवद गीता की ताकत है, जिसकी वजह से हमारे घर के बच्चे और बच्चों के साथ साथ में पूरे घर का वातावरण, घर के बुजुर्ग और सब लोग बहुत अच्छे तरीके से गीता का ज्ञान ले रहे हैं और अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी मीनिंग सिखाई। उन्होंने क्या बताया कि अपने अपने स्थानों में जहां पर रहो आप, रहो और वहां रह के आप भीष्म पितामह की सुरक्षा करो, यही बोला है उन्होंने। तो आप अपने अपने स्थान पर, आज हमें मौका मिला है वही, और इसी बात से मैं स्टार्ट करता हूँ कि अपने अपने स्थानों पर रहिए, जहां जहां आप हैं वहां वहां रहिए, और वहां से हम लोग सुरक्षा करें अपने वतन का, अपने देश का, अपने लोगों का। और इस महामारी से हमें लड़ना है, वो तो हम लड़ ही रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जब अगर हमें लेमन मिल रहा है तो लेमनेड क्यों ना बनाए, अगर हमें नींबू मिल गया किस्मत में तो चलो उसका नींबू का रस बनाए, शिकंजी बनाए, उसको ऐश करें, है ना, उसका उसका मजा लें। तो इससे पहले कि मैं अपनी क्लास को चालू करूं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा इवॉल्व इंडिया का। आपको सबको मालूम है इस बात को, जितने लोग मुझे जानते हैं सब जानते हैं कि इवॉल्व इंडिया क्या है हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए है। आज इवॉल्व इंडिया ने मौका दिया है, बहुत सारी बातें मैं इवॉल्व इंडिया के लिए कैसे बता दूं, महसूस ही कर सकते हैं, बस महसूस कीजिए अपने अपने घरों में बैठ के कि इवॉल्व इंडिया क्या है। इवॉल्व इंडिया का बहुत तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने मुझे मौका आज आप लोगों से रूबरू होने का, धन्यवाद हर्ष सर, दीपक सर का, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, यहां तक पहुंचाया है, और मेरे मान साहब का जिन्होंने हमेशा मार्गदर्शन दिया, एक बेहतरीन कोच के रूप में वो हमेशा साथ में रहे, मेरी टीम को उन्होंने, मेरे एब्सेंस में मेरी टीम को उन्होंने आगे बढ़ाया, मेरे धुरंधर सिपाही लोग, मेरे धुरंधर मेरे साथी लोग जो मेरी टीम में हैं, और इवॉल्व इंडिया के समस्त परिवार जो इवॉल्व इंडिया के हैं, और भी जितने परिवार जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे दोस्त लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे मालूम है जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, और उन सबको ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं मेरी। आज दीपक सर का बर्थडे है तो हार्दिक हार्दिक अभिनंदन उनका। मैं सर पूरे तमाम इवॉल्व इंडिया की तरफ से, अपने सारे दोस्तों मित्रों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन पर, और इसी तरह आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें और आगे हम लोग इसी तरह से बढ़ते रहें। मैं सारे व्यूवर्स को, जो लोग आज यहाँ पर आज मुझे सुन रहे हैं अपना समय निकाल के, उनका धन्यवाद करता हूँ।
टेक्नोलॉजी का धन्यवाद करता हूँ कि आज घर में बैठे हुए आज वो टेक्नोलॉजी हमें मिल गई जिसकी वजह से आज हम रूबरू हो रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप अकेले नहीं सुन रहे होंगे, आपके साथ में आपका परिवार सुन रहा होगा, बच्चे सुन रहे होंगे, सब लोग सुन रहे होंगे डेफिनेटली। तो आज मैं सबके लिए कुछ ना कुछ बातें लेके आया हूँ। मैं समझता हूँ, जैसे मुझे याद है कि मैं बचपन में जब मैं पढ़ा करता था तो हम लोग को ऐसे मिला करता था, निबंध मिला करता था कि विज्ञान एक अभिशाप है या अभिमान है, साइंस इज अ बून और अ कर्स। ये मिलता था कि आपको लिखना है कि साइंस की वजह से अच्छा हुआ है जिंदगी में या बुरा हुआ है। तो साइंस अ बून और अ कर्स। और इसी तरह से मैं देखता हूं कि कोरोना एक अभिशाप है या बून है, अभिमान है। मतलब कोरोना से हुआ क्या है, बहुत ये नजरिया पर डिपेंड करता है हमारे, कि हमारा नजरिया किस तरह से, हम क्या देखते हैं। स्टार्टिंग में लोगों ने बोला कोरोना आ गया तो ये हो गया वो हो गया, नजरिया मतलब आज हम घरों में लॉक हो गए तो कुछ लोग जो देखना चाहते हैं देखे, जिंदगी वही दिखाएगी जो हम देखना चाहते हैं, है ना। मैं जिंदगी का जिंदगी को जो देख रहा हूं वो कुछ अलग देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि कोरोना की वजह से आज वो चीज हो गई जो जिंदगी में कभी नहीं हुई इस प्लैनेट पे, इस धरती के ऊपर जितने लोग आज जिंदा हैं उन्होंने ये दिन कभी नहीं देखा होगा। मैं कह सकता हूं क्योंकि 100 साल पहले ये दिन आया था, तो 100 साल की उम्र, शायद 100 साल की उम्र वाले जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, ऐसे कम लोग ही होंगे शायद जिन्होंने ये दिन देखा होगा। नहीं तो किसी ने आज तक इतनी लंबी छुट्टी, इतना लंबा समय परिवार के साथ, इतना लंबे समय परिवार के साथ, वो भी पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व एक साथ बैठा हुआ अपने अपने घरों में, सारे काम धंधे बंद हो गए हैं, सब कुछ बंद हो गया है और भरपूर समय। मुझे याद आता है कि जब हम लोग नौकरियां क्या करते थे, लोग ऊब जाते थे कि संडे के बाद मंडे आ जाए भगवान, मंडे आ जाए तो ये ऐसा, संडे के बाद मंडे क्यों आ जाता है, संडे के बाद सैटरडे क्यों नहीं आता कि फिर संडे आ जाएगा, लोग हमेशा ये सब बातें सोचते थे। कुछ लोग बोलते थे कि यार परिवार में समय ही नहीं देते हैं, वाइफ बोलती हैं अपने हस्बैंड को कि ये तो बिल्कुल टाइम नहीं देते, बच्चों को टाइम ही नहीं देते हैं, ये घर का हाथ नहीं बंटवाते हैं, ये किचन में काम नहीं करते हैं, ये ग्लास उठा के वहां तक नहीं रखते हैं, ये फ्रिज से पानी भी नहीं ले सकते, मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं, है ना, कि काश कैसा हो कि ये हो जाए कि ये अपने आप काम करने लगे। बच्चे बोलते थे कि स्कूल जाना पड़ता है, छुट्टी क्यों ना हो जाए, बिना एग्जाम के हम पास नहीं हो सकते क्या, कुछ है ना। माँ बाप, माँ बोलती थी कि, बूढ़ी माँ बोलती थी कि यार इतना व्यस्त है मेरा बेटा जिंदगी में कि समय ही नहीं मिल रहा है कि वो माँ बाप के पास भी बैठ जाए। और वाकई जिंदगी के मतलब इस जद्दोजहद में इतने हम लोग बिजी हो चुके थे कि शायद हम भूल गए थे कि हमारे और भी दायित्व हैं, है ना। और भगवान ने देखो क्या लीला है उनकी, भगवान ने एक ऐसा मतलब चक्र चलाया, ऐसा चक्र चलाया कि उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे दिल में जो जो बातें थी, जैसे जैसे जो जो बातें, वो सारी की सारी बातें जो है वो अब मैं पूरी करने वाला हूँ। लो जिनको छुट्टियां चाहिए लो छुट्टियां ले लो, है ना, जिनको घर में बैठ के तनख्वाह चाहिए उनको घर में बैठ के तनख्वाह मिल जाएगी, जिनको राशन चाहिए उनको राशन मिल जाएगा जी, है ना, जिनको घर में बैठ के काम करना है वो घर में बैठ के काम कर लो, जिनको अपने पतियों से बर्तन धुलवाना है वो अपने पतियों से बर्तन धुलवा लो, है ना, जिनको जिनको चुगलियां करनी है वो अपनी चुगलियां करो। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई है जो वो नहीं चाहते थे और बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जो वो चाहते थे हमसे। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि वो हमसे क्या क्या चाहते थे। वो चाहते थे कि कम से कम कुछ समय आप ये भी तो देखो कि आप आए क्यों हो यहां पर। अक्सर मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बात किया करता था कि हम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग यहां पर क्यों आए हैं, है ना, वी शुड नो द पर्पस। हमको पर्पस ही नहीं मालूम है कि हम लोग यहां पर क्यों आए, हमारा पर्पस क्लियर ही नहीं है, है ना। लोगों को मालूम, हमेशा लोग यही सोचते हैं कि हम आए क्यों, हम सिर्फ इसलिए आए हैं यहां पर कि हम बच्चे पैदा करें, हम उनकी शादियां कराएं और उनको पढ़ाएं, उनकी शादियां कराएं और उसके बाद उनको सेटल कराएं और हमारा काम खत्म हो गया, हम चले जाएं, ये तो हमारा दायित्व हो गया। इसके अलावा हमारा पर्पस क्या है ये लोगों को नहीं मालूम था, लोग अपने काम धंधे को ही अपना पर्पस समझते। नहीं नहीं नहीं, हमको ऊपर वाले ने यहाँ पर जब भेजा ना तो उन्होंने बोला कि जाओ हम तुमको केयरटेकर बना के भेज रहे हैं। और केयरटेकर किसका, केयरटेकर मेरे, मेरी बनाई हुई चीजों को आपको देखना है, समझना है, संभालना है, ये भी आपका एक काम है। और जाने से पहले अपने जैसे अपना रिप्रेजेंटेटिव छोड़ के जाना है, तो ये काम करना था। तो जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि उनका पर्पस क्या है, वो लोग अपना अपना काम करने लगे, और जिनको ये बात समझ में नहीं आई वो तो अब बस इसी धुन में लगे रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, है ना, और बस वो अपने रोज 9 to 5 की जॉब करते हैं और वो अपने काम पे बिजी हो जाते हैं और बस वो सोचते हैं कि लाइफ में मजा नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं हमको पर्पस ढूंढने की बहुत सख्त जरूरत थी और हमको भरपूर टाइम दे दिया ऊपर वाले ने और ये बोला कि नहीं अब अपना पर्पस ढूंढो और देखो कि तुम आए यहां पर क्यों हो। मुझे मेरे को दो बात, एक बात समझ में आती है कि देर आर ओनली 2 इंपॉर्टेंट डेट्स, दो ही इंपॉर्टेंट डेट है जो ऊपर वाले ने हमारी जिंदगी में दिया है। अब वो दो इंपॉर्टेंट डेट आपकी जिंदगी में आए कि नहीं आए मुझे नहीं मालूम, मेरी जिंदगी में वो दोनों इंपॉर्टेंट डेट आ गए,
पहला डेट क्या था? पहला डेट है कि द डे व्हेन वी वर बॉर्न, जिस दिन आप पैदा हुए, जिस दिन मैं पैदा, जिस दिन हम पैदा हुए, वो एक इंपॉर्टेंट डेट है, वो एक तारीख है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. और द डे वी नो व्हाई, जिस दिन हमको कारण मालूम चल जाए कि हम पैदा क्यों हुए. यही दो तारीख, यही दो डेट है जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है हमारे जिंदगी के. और इसके अलावा तो बाकी डेट्स आएंगे और जाएंगे, बर्थडे, एनिवर्सरीज और अच्छे दिन, बुरे दिन, सब आएंगे, सब जाएंगे, लेकिन दो डेट सबसे इंपॉर्टेंट डेट. तो पहला डेट तो हमें याद रहता है कि हम कब आए, कौन से डेट को आए, हमारा बर्थडे, वो हमें याद है जी, हम कौन, लेकिन हम क्यों आए इस धरती के ऊपर, ये हमें नहीं मालूम है. यही तो है पर्पस, यही तो है कारण. और ये कारण को ढूंढना बहुत जरूरी है. एंड नाउ अगर इसी से आगे बढ़ते जाएं तो पर्पस ढूंढना बहुत बहुत आसान है. लोग बोलते हैं कि मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि मेरे को, मेरा पर्पस क्या है, मैं यहां पर क्यों आया हूं, मेरा पर्पस क्या है. तो कारण अगर आपको मालूम करना है, अगर हमें मालूम करना है कि हमारा पर्पस क्या है, तो हमको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि कौन सा काम करने से हमको सबसे ज्यादा आनंद आता है. कौन सा काम ऐसा है जिसको करने से हमें बहुत आनंद आता है? कौन सा ऐसा काम है जिसको करने से हमें थकान नहीं होती? कौन सा ऐसा काम है जिसमें हम पैसों की कदर ही नहीं करते? इस काम को कर रहे हैं, हम पैसों की कदर ही नहीं करेंगे. कौन सा ऐसा काम है जहां पर हमको नींद नहीं आती? कौन सा ऐसा काम है जिसको हम लड़के भी हम उसको करना चाहते हैं, दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन हम उसको करना चाहते हैं? दैट इज द पर्पस. वही एक पर्पस है जिसके लिए हम आए हैं. और अक्सर मैंने देखा है कि जब मैं सिर्फ शॉप मीटिंग्स, ऑल इंडिया की मीटिंग्स जब मैं करता हूं, मेरे पैरों में इतना दर्द रहता है. लेकिन जब मैं ट्रेनिंग पे आता हूं, जब मैं ट्रेनिंग के लिए खड़ा होता हूं, मेरे वर्कशॉप्स जब होते हैं, मैं दो दो तीन तीन घंटा, चार चार घंटा में एक बार खड़े होकर मैं ट्रेनिंग्स को दे सकता हूं, उस टाइम मेरे पैरों में दर्द नहीं होता, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती. जैसे आज मुझे लाइव आना था तो मुझे रात भर नींद नहीं आई. रात भर मैं यही सोचता रहा कि कब सुबह होगी और कब मैं आपसे बात करूंगा, कब मैं आपसे मिलूंगा. ये एक समझने वाली बात यह है कि जब जिस काम को करने से हमें सबसे ज्यादा मजा आता है, आनंद आता है, कहीं ना कहीं भगवान ने हमें इसके लिए चुना है. मैं ये बात कहता हूं कि 28 साल की उम्र में ऊपर वाले ने मुझे चुना है. देखिए, इससे पहले मैं फौज की नौकरी करता था. जब मैं फौज की नौकरी करता था तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं. वो नौकरी थी जिस नौकरी को मैं कर रहा था, है ना, और 28 साल की उम्र तक मैंने उस काम को किया. 28 साल की उम्र में के बाद में आया सेफ शॉप में. जब मैं सेफ शॉप में आया तो मैं अपने पर्पस को लेकर नहीं आया. मैं तो सेफ शॉप में पैसों के लिए आया. मैं तो सेफ शॉप में वो जो ड्रीम्स थे उसको पूरा करने के लिए आया. मैं सेफ शॉप में आया कि जिंदगी को बड़ा कैसे जिए, किंग साइज कैसे जिए. बड़ा मतलब, बड़े का मतलब है किंग साइज, है ना, गाड़ी कैसे होगी, ऑडी कैसे होगी, घर कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये सब मैं सोचता हुआ इस सेफ शॉप में आया. और सेफ शॉप में आने के बाद भी 5,000-10,000 ही दिखता है, उससे ज्यादा दिखता भी नहीं है. लेकिन धीरे 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 ये समझ में आने लगा कि नहीं, सेफ शॉप में पैसों के अलावा आपके साथ जितने लोग हैं वो भी तो खुश हो रहे हैं. हाँ, माफी चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाए, है ना. और लीडरशिप, डेफिनेटली लीडरशिप इज टू बी ब्लेम्ड, है ना. लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि मैं सबको शायद वहां पर देख नहीं पाया. अभी मेरे को और बहुत सारी बातें सीखनी है, समझनी है, करनी है. अभी शायद उस दायित्व को मैं पूरा नहीं कर पाया. लेकिन एक बात मेरे को समझ में आ गई वहां पर कि आपको अपनी जिंदगी में पर्पस अगर मिल जाता है तो फिर पर्पस पैसा नहीं होता है. कम से कम तो पैसा नहीं होता. पैसा का नंबर जो आता है वो तीसरे या चौथे नंबर पे आता है. क्योंकि जब व्हाट्सएप बना, जब फेसबुक बना, जब बिजली के बल्ब बना, जब एयरक्राफ्ट बना, जब कार बनी, जब फोन बना, तो ये पैसों के लिए नहीं बनाया गया था. ये तो बनाया गया था ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बनाया गया. और जब वो सेवा में आया, जब बल्ब सेवा में आया, जब फेसबुक सेवा में आई, जब व्हाट्सएप सेवा में आया, जब टिकटॉक सेवा में आया, तो उससे फिर धन निकलना चालू हो गया. क्योंकि लोग उससे एंजॉय करने लगे, उसको यूज करने लगे. आज देखिए ना, फेसबुक के कारण, आज व्हाट्सएप के कारण हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ टच में हैं. और इसका रिवॉर्ड किसने दिया? इसका रिवॉर्ड दिया ऊपर वाले ने. उन्होंने बोला कि जब तुम मेरा काम करोगे तो फिर बाकी मेरे पर छोड़ दो, मैं करता हूं. और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप ऊपर वाले का काम करें. हम सेफ शॉप का काम करते हैं, डेफिनेटली हम सेफ शॉप का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले का काम भी कर रहे हैं. मुझे मालूम है ऐसे हजारों हजारों लोग हैं जिनका घर चलता है सेफ शॉप से, ईमानदारी से घर करते हैं. कहीं ना कहीं हमारे अंदर, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमजोरी भी आती है. कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा दिक्कत में भी आ जाते हैं. हमको लगता है कि ये बिजनेस मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कैसे मैं इसको काम को करूंगा, पूरा करूंगा. ये सब बातें हैं जो हमें शायद आगे नहीं बढ़ने देती. तो इसका कारण है, मैं आपको एक शेर के रूप में समझाने की कोशिश करता हूं कि मुझे बहुत अच्छा लगा वो शेर. मैं कल जा रहा था, मतलब मैं पढ़ रहा था उस शेर को, कि तुम्हें जीने की आसानी बहुत है, तुम्हें जीने की आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है. तुम्हें जीने की आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है. कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे,
कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी सब पे निगरानी बहुत है। हम जिंदगी में ना सब पे देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसकी खबर है, उसकी खबर है, उसके घर में क्या चल रहा है, इसके घर में क्या चल रहा है। जब हमारा फोकस होता है ना, जब किसी काम पे हमारा फोकस होता है, फिर निगरानी हमारी सिर्फ हमारे काम पे होनी चाहिए। ये बात मैंने सीखी है ना। तो बहुत शानदार शेर, फिर से मैं आपको फिर से कर दूं, तो इसको मुकम्मल करना है शेर को, कि तुम्हें जीने के, तुम्हें जीने में आसानी बहुत है, तुम्हारे खून में पानी बहुत है, तुम्हारे सब कबूतर इश्क का उतरे तो कैसे, तुम्हारी सब पे निगरानी बहुत है। और उसके आगे कहते हैं कि इरादा कर लिया अगर खुदकुशी का, इरादा कर लिया अगर खुदकुशी का, इरादा कर लिया अगर खुदकुशी का, खुद के आंखों का पानी बहुत है, खुद के आंखों का पानी बहुत है। अगर खुदकुशी का इरादा ही कर लिया तो आंखों का पानी ही बहुत है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। तो हमको फोकस करना बहुत जरूरी है। हम अगर फोकस करेंगे तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने 6 पीस की ट्रेनिंग ली थी, और 6 पीस की ट्रेनिंग में, 6 पीस की ट्रेनिंग में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, जिसके अंदर पर्पस भी था। आप अगर देखेंगे, बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन आपके पास समय है, आप चाहें तो जाके उस लिंक को जरूर देखें, 6 पीस की ट्रेनिंग को, जिसमें मैंने बताया था कि पैशन है, पर्पस है, प्लानिंग है, पीपल है, परसिस्टेंस है ना। 1 पी मेरे को लगता है कि और ऐड करना पड़ेगा अब जिंदगी में, क्योंकि आज जो मैं देख रहा हूं, 1 पी है प्रिकॉशन। हमें प्रिकॉशन भी लेना पड़ेगा। प्रिकॉशन का मतलब क्या हुआ है? हिदायतें। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में अगर मैंने कोई प्लानिंग करी है, अगर मेरे को नंबर 1 पे जाना है, तो मेरे पास पैशन तो है, मेरे पास जुनून तो है काम करने का, मेरे को पर्पस बड़ा क्लियर है, मेरा बिल्कुल मेरे को साफ दिख रहा है मेरा पर्पस क्या है, है ना, मेरे को दिख रहा है सब कुछ, मेरी प्लानिंग बड़ी क्लियर है, और मेरा मेरे साथ जो लोग हैं वो भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी बड़े क्लियर हैं, वो भी मेरे मेरे पैशन के साथ, मेरे पर्पस के साथ, मेरी प्लानिंग के साथ उसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो इसलिए वो भी बहुत है। उसके बाद में फिर लगातार हमें काम भी करते रहना जब तक हम उस मुकाम पे ना पहुंच जाए, वो भी बहुत शानदार बात हो गई। लेकिन प्रिकॉशन भी लेना है। प्रिकॉशन क्या? प्रिकॉशन ये कि दिमाग ठीक रहना चाहिए, दिमाग ठीक रहना चाहिए। कोई कहीं चला गया, कोई दूसरी कंपनी में चला गया, कोई कोई कुछ हो गया, है ना, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क ये पड़ना चाहिए कि जितने लोग हमारे साथ हैं इनको कैसे आगे बढ़ाएं। रजत सर से बात हो रही थी एक बार, तो रजत सर ने मुझे बोला, अजय वी डोंट वांट टू बिकम नंबर 1 कंपनी ओनली। हमें नंबर 1 कंपनी अकेले नहीं बनना है, हमें नंबर 1 कंपनी अगर बनना है नंबर्स में नहीं, हमें बनना है कि सबसे आनंदित लोग हों उसमें, सबसे खुश लोग हों, एक ऐसी कंपनी जिसमें खुश मतलब खुशी का वातावरण हो, और जितने भी लोग उस कंपनी में काम करने वाले हों, जितने भी लोग उस कंपनी के लॉयल हों, जितने भी लोग उस कंपनी के झंडा लेके आगे बढ़ रहे हो, वो और उनका परिवार खुश रहे, आनंद में रहे और सुरक्षित रहे, ऐसी कंपनी बनानी है। अदरवाइज ऐसे नंबर्स तो बहुत बढ़ते चले जाएंगे, आपको हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो परिवार जहां पर आनंद हो, वहां पर जो लोग, जहां पर स्किल डेवलपमेंट हो, जहां पर इवॉल्व इंडिया और तमाम ऐसे सपोर्ट सिस्टम्स हैं, ऐसे सपोर्ट सिस्टम्स हो जहां पर जिनके दिग्गज लीडर्स हो, जो आपको सिखा रहे हो, ऐसी सब चीजों के लिए हमें प्रेरित करते रहना है लोगों को। और प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है कि इस दिमाग के अंदर ऐसी कोई बात ना आए, ऐसी कोई बात ना आए जिससे फोकस चला जाए। हमको एक होमवर्क करना है, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको एक होमवर्क करा रहा हूं। हम एक होमवर्क करें, और होमवर्क में ये करें कि हमको ये देखना है, एक लिस्ट बनानी है आज, बाकी सब तो आप जानते हो, अब आपको एक लिस्ट बनानी है। और लिस्ट क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है कि मेरे को चिड़ किन चीजों से है, किन चीजों से मैं व्याकुल होता हूं, किन चीजों से मैं चिढ़ता हूं, किन लोगों से मैं चिढ़ता हूं, और किन चीजों से मैं चिढ़ता हूं, और मैं क्यों चिढ़ता हूं। इसकी एक लिस्ट बनानी है कि ये काम कर लेंगे, मुझे यकीन है ना आप कर लेंगे इस काम को। और लिखिए, आप बहुत आराम से लिखिए इस बात को कि मैं क्यों चिढ़ता हूं, इस व्यक्ति से मैं क्यों चिढ़ता हूं, इस पड़ोसी से मैं क्यों चिढ़ता हूं, इस रिश्तेदार से मैं क्यों चिढ़ता हूं, कौन कौन है जिससे मैं चिढ़ता हूं, क्यों चिढ़ता हूं, कौन और क्यों चिढ़ता हूं, कौन से काम है जिससे मैं चिढ़ता हूं और क्यों चिढ़ता हूं। इसको आप लिखना, इस लिस्ट को आप लिखना। इसको अगर आप ठीक कर लेंगे ना, मैं समझता हूं कि रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। देखिए, जब हम विजय पथ पे चल रहे होते हैं ना, तो हमको लोड होना है बहुत सारी शक्तियों से, और जब हम शक्तियों से लोड होते हैं ना, तो कुछ बीमारियां हैं, जैसे चिढ़ना, कुढ़ना, है ना, चुगली करना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमको ना, हमको कमजोर बनाती हैं। हमें कमजोर नहीं बनना है, हमें शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। हमें 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 चुगली करके मिलेगा क्या? अच्छा, मैं बताऊं आपको, अभी क्या बता रहा हूं, मोदी जी ने आह्वान किया कि दिया चलाइए, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग थे
क्योंकि कुछ तो लोग हैं, कुछ तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे। मोदी जी ने बोला भाई बर्तन बजाओ, तो लोगों ने बोला बर्तन बजाने से करोना भागता क्या, बताइए। मोदी जी ने बोला दिया जलाओ, तो बोले अरे बर्तन बजाने का मतलब करोना भगाना नहीं था, दिया जलाने का मतलब करोना भगाना नहीं था, वो तो एक एकता था कि भाई तुम भी नहीं अकेले हो, मैं भी नहीं अकेला, देखो तुम भी उस लड़ाई को लड़ रहे हो, मैं भी उस लड़ाई को लड़ रहा हूं, तुम भी योद्धा हो, मैं भी योद्धा हूं, ये एक फीलिंग आनी थी। तो किसी ने कल परसों में कमेंट पढ़ रहा था, तो किसी ने डाल दिया मैंने तो लाइट नहीं बुझाई, मैंने तो सारे लाइट ऑन किए, और मैंने सारे लाइट ऑन करके मैंने मुझे ऐसा लगा कि कोई आवाज दे रहा है और कह रहा है कि तुम अंधविश्वासी नहीं हो और तुमको ट्रॉफी मिलेगी, तुमको शहीद भगत सिंह का नाम तुमको हो गया। मैंने बोला पता नहीं ऐसे ऐसी बातें क्यों करते हैं लोग। मैंने वहां पर लिखा, मैंने बोला कि आप ये बताइए कि जितने लोगों ने दिया जलाया क्या उनको खुशी मिली कि नहीं मिली, जितने लोगों ने भी दिया जलाया, वो कोरोना भगाने के लिए जलाया नहीं हुआ, छोड़ दीजिए 9 मिनट के लिए जब दिया जलाया गया, पूरे हिंदुस्तान में दिए जलाए गए, तो खुशी मिली कि नहीं मिली? बहुत आनंद आया, सबको आनंद आया, बच्चों को भी आनंद आया, है ना। और उसके साथ साथ में जिन्होंने नहीं जलाया दिया, मेरा सवाल सिर्फ उनसे यह था कि आपको आनंद आया कि नहीं आया? देखिए फर्क आ गया ना, जिनने दिया जलाया वो सब खुश थे, बहुत हर्ष में थे, बहुत आनंद में थे, लेकिन जिन्होंने दिया नहीं जलाया वो बालकनी में खड़े होकर ये देख रहे थे कि किसने जलाया, किसने नहीं जलाया, इसने क्यों जलाया, उसने जलाया। ये जो बातें हैं ना, यही बातें हमको खत्म कर देती है, यही बातें हमको डाउन कर देती है। मेरी ट्रेनिंग में एक बात है, जब कभी आपके सीनियर, याद रखना इस बात को, जब कभी आपका सीनियर को आपको कोई बात समझा रहा हो और आपको समझ ना आए, तो समझ लेना कि कोई बहुत गहरी बात है, समझ लेना कि कोई बहुत वजनी बात है, कोई वजन वाली बात है, वो बाद में समझ में आएगी। मेरा समय पूरा हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरा समय पूरा हो रहा है, मैं अगले 2 मिनट और लूंगा बातें करने के लिए। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती। अरे बर्तन बजाने को बोला बजा दो, पूरे हिंदुस्तान ने बजाया, कितना आनंद आया। और वहां कम से कम वो भजन बर्तन बजाने के बाद जब हम अंदर आए तो एक फीलिंग आई अंदर कि नहीं यार हम अकेले नहीं है, और हम कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि एक योद्धा बन के हम भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, इतिहास रचा जा रहा है। जब कभी कोरोना वायरस पे नाम होगा, कोविड-19 का नाम आएगा, जब कभी भी जिक्र होगा, तो वहां पर हम भी बोलेंगे कि हम इस युद्ध में थे और हम अपने घर के अंदर रह के अपने प्रधानमंत्री और अपने देश के लिए हम अपने घरों के अंदर बैठे थे और हम वहां पर हम वो सारे काम कर रहे थे जो ऊपर वाले ने हमसे करवाए, जैसे कि हमने पूजा पाठ भी किया, हमने माता पिता का समय भी दिया, हमने बच्चों को खूब समय दिया, हम घोड़े भी बने, हम बंदर भी बने बच्चों के साथ, हमारी उम्र कुछ भी हो, लेकिन हमने वो सारे काम किए जो बच्चे हमसे चाहते थे। हमने अपनी वाइफ के साथ में वो बर्तन बांटने का काम भी किया, बाई नहीं थी क्या करोगे, है ना। आज बाई की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि बाई क्या चीज होती है, चलो वो अलग बात। तो बर्तन भी मांजे हमने, वो बात अलग है कि कौन करोड़पति है, कौन लखपति है, किसके पास पैसा है, किसके पास नहीं है, इसमें एक आनंद आ रहा था। बर्तन मांजने में एक अलग आनंद था, खाना बनाने में एक अलग आनंद था। मान साहब की बात मुझे याद, मान साहब बोल रहे थे कि मैंने चटनी बनाई थी वो चटनी खराब हो गई, है ना, लेकिन आनंद तो आया और सबको आया। हर सर बोल रहे थे कि मैंने चाय बनाना सीख लिया, दीपक सर बोल रहे थे कि मुझे भी खाना बनाना है, मैंने भी चाय बनाना सीख लिया। कहीं ना कहीं वो जो वातावरण है ना जो कोविड-19 ने दिया, उसको एंजॉय करना है। जब कभी कैसी भी सिचुएशन आ जाए दोस्तों, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, उसको एंजॉय करना है। हमारे पास समय कम है, बातें बहुत सारी है, मुझे मालूम है। एक होमवर्क तो आप कर लिए कि आपको लिखना है, कि लिस्ट बनाना है कि किस चीज से आप चिढ़ते हैं, क्यों चिढ़ते हैं, और क्या इसको मैं अलग कर सकता हूं, ये चिड़ को अलग कर सकता हूं। एक और चीज करना है, 15 तारीख तक, अब हमें 15 तारीख तक टास्क है, ये कर लेना अगर आप चाहें तो। अब हमें कंप्लेन नहीं करना है, नमक तेज है तो तेज है, मिर्च ज्यादा है तो ज्यादा है, घर गंदा पड़ा है तो पड़ा है, कंप्लेन नहीं करना है। हम 15 तारीख तक कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, लिस्ट बना के रख लेना कोई बात नहीं, 15 के बाद 16 तारीख को आप कंप्लेन कर देना कि ऐसा ऐसा हुआ था। देखते हैं कि बिना कंप्लेन के 15 तारीख तक जिंदगी कितनी मस्त होती है, कितने आनंद आती है। एक वॉलंटियर की तरफ से जो मेरे दिल की बात है ना, आइए, कन्हैया के साथ बैठा हूं मैं और मैं एक बात कर रहा हूं अपने दिल से। मैं कह रहा हूं कि एक लिस्ट और बनाइए, लिस्ट बनाइए कि जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, जिस दिन भी लॉकडाउन खुलेगा, उस दिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं इवॉल्व इंडिया के लिए कि परचम ले रहा है, मैं क्या कर सकता हूं अपने सेफ शॉप के लिए कि परचम ले रहा है। एक लिस्ट बनाइए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर छोटा बड़ा नहीं होता, यहां क्राउन एम्बेसडर हो या आज ज्वाइन किया बंदा कोई हो, बराबर वाली बातें हैं, क्योंकि हमारे संस्कार में हमको जो सिखाया गया है, सेफ शॉप ने जो हमें सिखाया है, इवॉल्व इंडिया ने हमें जो सिखाया है, मैं आपको वो बता रहा हूं। मुझे बताया गया कि एक चींटी पानी में डूब रही थी, तो
जब चींटी डूब रही थी तो एक बगला ऊपर बैठा हुआ, तो बगले ने पत्ता नीचे गिरा दिया, चींटी उस पत्ते पे आ गई और पत्ते को खींच लिया बगले ने, चींटी बच गई। चींटी बोली, कोई बात नहीं, आपने मेरी जान बचाई है, कभी वक्त आया तो मैं भी आपके इसका उपकार मैं आपको चुकाऊंगी। एक बार, और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं, एक बार एक शिकारी आता है बगले पे, जैसे ही वो निशाना लगाता है तो चींटी शिकारी के पैर पे काट लेती है, निशाना चूक जाता है, बगला उड़ जाती है। एक चींटी अगर डिफरेंस पैदा कर सकती है, एक चींटी अगर बगले की जान बचा सकती है, मुझे लगता है कि इवॉल्व इंडिया के अंदर हम मानते ही नहीं है कि क्राउन एम्बेसडर या फिर एक फ्रेशर कम होते हैं। हमारे यहाँ तो एक एक व्यक्ति जो है, जो दिल से जुड़े हुए हैं, जो अपने परिवार के साथ में देश का निर्माण करने के लिए, रोजगार पैदा देने के लिए और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो लगे हुए हैं, तत्पर हैं, तो यहाँ पर स्वागत है आपका। और आपका भी उतना ही योगदान जितना मेरा योगदान, जितना हर सर का योगदान, जितना सुबोध जी का योगदान, जितना अमित जी का योगदान, पांडा जी का योगदान, मान साहब का योगदान, और जितने तमाम लीडर्स हैं जिनका नाम मैं अब यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन नहीं ले पाऊंगा इतने समय में, कम समय में, लेकिन जो योगदान है वो योगदान उतना ही होगा जितना आपका होगा। आइए अब हमको दो तीन जो बातें करनी है, कंप्लेन नहीं करना है, है ना, छिड़क हटा देना है, जितनी भी चीजें हैं जो हमको आगे बढ़ने से रोकती है उसको ठीक करना है, इसको बिल्कुल ठीक कर लेना है, रिबूट कर लेना है, वायरस हटा देना है, क्या क्या चीज जिंदगी में चाहिए उसको देखना है। एक शानदार से व्यक्तित्व के साथ हम लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे, और जब लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे तो परचम लहरा देंगे। आज हमारा इकोनॉमी जो डाउन हो गया है, आज जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, है ना, कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने हमें वो शक्ति दी है। देखिए, हम राशन लेने की कतार में नहीं खड़े हैं, हम राशन देने वालों की कतार में खड़े हैं। हम कितने भी अमीर हैं, हम कितने भी गरीब हैं, लेकिन फिर भी हमको ऊपर वाले ने राशन लेने की कतार में नहीं खड़ा करा के रखा, हमको राशन देने की लाइन में कतार पर खड़ा करा के रखा हुआ है। इसका शुक्रिया अदा करना है हमको अल्लाह ताला से, ईश्वर से, जीसस से, वाहेगुरु से, और हम इस उम्मीद के साथ कि हम एक अच्छा व्यक्तित्व के साथ और एक अच्छे शानदार फादर, एक शानदार हस्बैंड, एक शानदार लीडर और एक शानदार सिटीजन बन के हम 21 दिन के बाद 15 तारीख को बाहर निकल के आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार, और इसी के साथ सब लोगों को धन्यवाद जो आप लोगों ने प्यार से मुझे बहुत अच्छे से सुना है। बस लॉकडाउन का इंतजार है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में जोर शोर से काम करेंगे और अपने भारत को बहुत मजबूत बनाएंगे। भारत निर्माण में हमारा नाम होगा, हमारा काम होगा, हमारा कर्म होगा। गीता में कहा गया है कि अगर धर्म करोगे तो आपको भगवान से मांगना पड़ेगा, और अगर आप कर्म करोगे तो आपको भगवान को आपको देना पड़ेगा। तो हम कर्मयोगी हैं, हम कर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके साथ जय हिंद, जय सिक्योर लाइफ, जय सेफ शॉप, जय भारत। और मैं सब लोगों से तहे दिल से फिर एक बार सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ और विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।